हेलो दोस्तों, गोविंद वुडवर्क के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको फर्नीचर नहीं बल्कि ड्रिल मशीन का रिपेयर करके दिखाने वाला हूँ आपको। ये चालू कर रहे हैं, ये सुन रहे हो आवाज और धुआं निकल रहा है अपना ड्रिल का, इसको हम लोग रिपेयर करके दिखाता हूँ। चलिए इसे खोलते हैं। अगर आपके पास इस तरह का पेंचकस है तो इससे भी खोल सकते हैं। मेरे पास मशीन है, फिलहाल मैं मशीन से खोल लेता हूँ। जब कारपेंटर भाई काम करते हैं तो ड्रिल खराब हो जाने से बहुत दिक्कत होती है, इसीलिए इसको घर पर ही रिपेयर कर सकते हैं। प्रकार इसको खोल देंगे। सबसे पहले आप बटन को चेक कर सकते हैं, अगर हमारा ड्रिल तो चालू हो रहा है पर घूम नहीं पा रहा है, इसीलिए हमारा बटन बिल्कुल सही है। तो इसको इस प्रकार खोल देंगे। सबसे पहले अपना कार्बन को इस साइड से निकाल लेंगे। इस प्रकार दोनों साइड अपना कार्बन लगा होता है, दोनों कार्बन को ये पिन को दोनों को निकाल के आर्मेचर को इस तरह से निकालोगे। कार्बन को धक्का लगा देना है, ये अपना कार्बन है, ये भी अपना कार्बन है। सब ड्रिल का अलग अलग है, अपना बॉस का ड्रिल का अलग होता है। ये अपना आर्मेचर है, ये जल गया है, इसी के खराबी के कारण नहीं चल पाता था। ये यहाँ से देखिए, ये जल चुका है। हम लोग यहाँ आर्मेचर नया डाल देंगे तो मशीन चल जाएगी। ये अपने पास है बॉस का आर्मेचर, इसका रेट पड़ा है हमको 675 रुपए। ये देख सकते हैं, इसका रेट है 675 रुपए। आर्मेचर जल गया है। बेरिंग तो दोनों का ठीक है, बेरिंग को खोल के आप यहाँ भी डाल सकते हो। जब बेरिंग तो ठीक है, इसका भी ठीक है, इसको हम रखे रहेंगे तो दूसरा खराब हो जाएगा, तब बेरिंग को चेंज कर लेंगे। ये अपना नया आर्मेचर है, इसको भी कुछ इस प्रकार लगा लेंगे। के बाद फिर कार्बन को जैसा था वैसी कार्बन को डाल देंगे। कार्बन को डालने के बाद इसको फिट कर लेंगे। चलिए अब हम इसको चला के देखते हैं। ये अपना
मशीन बन के रेडी हो चुका है। इस तरह से आप आर्मेचर चेंज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे।